हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा क्रेन से रिलेटेड, कि क्रेन क्या है, इसका टाइप्स क्या होता है, इसका यूजेस क्या क्या होता है। एक्चुअल में जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है आप लोगों को, और साइट पे क्या एक्चुअल में मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो लेट्स सी एंड वॉच। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसका टाइप्स क्या होता है, इसका यूजेस क्या क्या होता है, और क्रेन को यूज करने से पहले, वर्क प्लेस पे लाने से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या पॉइंट्स चेक करना होता है। आई विल टेल यू ऑल दोज थिंग्स। तो फर्स्टली वी विल नो द टाइप्स ऑफ क्रेन, ओके? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखा हुआ है, आप अपने खुद से देख सकते हो कि फर्स्ट क्या है हमारा मोबाइल क्रेन, जो कि आपको ऑलरेडी बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। सेकेंड होता है हमारा टावर क्रेन, फिर होता है हाइड्रा क्रेन या फराना क्रेन। नाउ देयर आर सम कन्फ्यूजेस इन हाइड्रा एंड फराना, ये दोनों जो है वो सेम दिखता है आपको, बट इसका हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच इज हाइड्रा एंड विच इज फराना। तो इसको मैंने ठीक से आइडेंटिफाई किया है वर्क प्लेस पे, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि फराना किसको बोलते हैं और हाइड्रा किसको बोलते हैं, तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है क्राउलर क्रेन, उसके बाद सुपर लिफ्ट क्रेन। जो कि सुपर लिफ्ट क्रेन होता है, ये आपको देखने को मिलेगा रिलायंस में अगर आप आते हो, जहाँ पे 3,000-4,000 टन का मटेरियल को हम लोग लिफ्टिंग करते हैं, वहाँ पे इस क्रेन को हम लोग यूज करते हैं। सेकंड आता है हमारा होइस्ट क्रेन, और लास्ट हमारा है ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, ठीक है? अगर आप फर्नेस में कहीं काम करते हो, फर्नेस वगैरह में, तो जो लेडल को हम लोग लिफ्टिंग करते हैं तो वो मैक्सिमम जो होता है ईओटी क्रेन से लिफ्टिंग होता है। तो फ्रेंड्स, दीज आर सम पॉइंट्स, दीज आर सम टाइप्स ऑफ क्रेन विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट्स हम लोग को चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्रेन क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि क्रेन इज अ हैवी मशीन विच इज यूज फॉर लिफ्टिंग द हैवी मटेरियल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू टॉप फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मीन्स ग्राउंड फ्लोर टू वर्क एट हाइट। एट हाइट मतलब कि जो भी हमारा मटेरियल है, हैवी इक्विपमेंट है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर से उठा करके किसी हाइट पे, किसी ऊंचाई पे रखते हैं, कहीं पे रेक्शन करते हैं, उसी जिस मशीन से उठाते हैं उस मशीन को हम लोग क्रेन बोलते हैं, ठीक है? चाहे वो हम मोबाइल क्रेन से उठाएं, क्राउलर क्रेन से उठाएं, हाइड्रा से उठाएं, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल का कैपेसिटी क्या है, उसका वेट कितना है, ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि मोबाइल को वर्क प्लेस पे लाने से पहले हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट चेक करना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। अगर आप एज अ एचएससी प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट हमारा होता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या चेक करते हो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। TPI, जिसका मतलब आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। TPI का मतलब होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट आता है, ठीक है? जो भी हमारा डिसाइकल है, बोसाइकल है, वेब सीलिंग है, सीलिंग है, वो सबका एक सर्टिफिकेट होता है, जिस पे उसका डेट ऑफ इशू लिखा रहता है और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है कि ये कब इशू हुआ, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब इसका डेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे TPI फॉर्म पे क्लियरली साफ साफ लिखा रहता है। इसके बाद हमारा TPI होना चाहिए उस क्रेन का। सेकेंड, PTW, जो कि आपको पता होगा, परमिट टू वर्क, या फिर SSOW, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वो हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद अगर हमारा कोई भी मटेरियल हैवी इक्विपमेंट है, तो उसका लिफ्टिंग प्लान बनना चाहिए, लिफ्टिंग प्लान। फिर से अगर लिफ्टिंग प्लान बन गया और क्रेन के अंदर लोड चार्ट भी इंस्टॉल होना चाहिए, लोड चार्ट होना चाहिए, ताकि लोड चार्ट में लिखा रहता है कि इसका इतना रेडियस पे इतना ज़्यादा हम लोग मटेरियल उठा सकते हैं, इतना रेडियस पे इतना इसका SWL बनता है। सेकेंड, SDP। SDP का मतलब होता है सेफ ड्राइविंग परमिट, जो कि ये ऑपरेटर के लिए होता है, उसके पास उसका वैलिड लाइसेंस, उसके पास से उसका सेफ ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। फिर से जो ड्राइवर है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट होता है, कि जो हमारा क्रेन जहाँ पे जा करके वो खड़ा होगी, जहाँ पे वो इंस्टॉल होगी, कि हाँ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रेन को खड़ा करके अपना काम को हम लोग करेंगे, तो वो सरफेस लेवल को हम लोग चेक करेंगे कि सरफेस लेवल क्या है, वेटेड है, गीला है, अगर अंदर की तरफ धंसता है, पुश करता है, तो क्रेन पलटी मार सकती है, स्क्रॉलिंग हो सकती है। तो फर्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सरफेस लेवल मस्ट बी चेक, डैट शुड बी हार्ड। जैसे कहीं पर क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है, और कहीं पर क्या होता है, सोयल होता है, मिट्टी होता है, तो हैवी इक्विपमेंट, हैवी लोड होने के कारण क्या होता है,
तो हैवी लोड होने के कारण क्या होता है, जो हमारा सरफेस लेवल होता है वो अंदर की तरफ धंसता है, जो आउटरिगर होता है वो नीचे की तरफ जाता है और हमारा जो क्रेन होता है वो फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट SWL का मतलब होता है सेफ वॉकिंग लोड। जैसे कि ये क्या है, अगर हमारा क्रेन 100 टन का है तो उसका SWL कितना होता है, तो आप यहाँ पे 75% लिख सकते हो कि अगर कोई क्रेन है तो उस क्रेन का SWL 75% होगा, मतलब कि वो 75% तक लिफ्ट कर सकती है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SLI देखना पड़ेगा, सेफ लोडिंग इंडिकेटर। ये सेफ लोडिंग इंडिकेटर क्या है कि मैंने इसको दिखाया हुआ है, प्रैक्टिकली मैंने दिखाया है सेफ लोडिंग इंडिकेटर को। आप मेरे प्रीवियस चैनल पर जाकर देखोगे तो उसमें वो दिखाई देगा आपको कि सेफ लोडिंग इंडिकेटर क्या है। ठीक है, क्योंकि उसमें दिखाता है कि इतना रेडियस है और इस रेडियस पे इतना आप मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है मैंने अपने पिछले वीडियो में, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो मौसम है रेनी है, कि अगर बारिश हो सकता है, रेनी सीजन है, ठीक है, और हमारा जो एयर का कंडीशन है वो बहुत ही तेज़ चल रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्रेन ऑपरेशन अलाउ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा क्रेन ऑपरेटर है या फिर हमारा जो क्रेन है, अगर हम कोई भी सामान लिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, तेज़ हवा के कारण क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहाँ पे फिर से कोई भी एक दुर्घटना होने का चांसेस बढ़ सकता है। इसके लिए हम लोग वेदर कंडीशन भी देख चेक करेंगे, वेदर कंडीशन कैसा है। नेक्स्ट आते हैं लिफ्टिंग एरिया मस्ट बी बैरिकेटेड। जो हमारा लिफ्टिंग एरिया है वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, बैरिकेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्रेन मान लो कि वहाँ पे कोई सस्पेंडेड लोड है, कोई कोई ऑलरेडी कोई मटेरियल है 10 टन का 25 टन का जो कि ऑलरेडी लिफ्ट हो चुका है, वो हवा में जाके झूल रहा है, लटक रहा है, वो हैंगिंग हो चुका है और इंसान जो चलता है तो नीचे देख करके ही चलता है, बराबर। तो क्या होता है कि अगर वो हमारा सस्पेंडेड लोड की तरफ नीचे से जा रहा है तो हमारा क्रेन क्या है, मैकेनिकली चीज़ है, हाइड्रोलिक है, वो कभी भी फेल हो सकता है, वो कभी भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, अगर उस इंसान का लक खराब है, किस्मत खराब है, उसने जैसे ही सस्पेंडेड लोड नीचे की तरफ से गया और वो सामान और हमारा क्रेन फेलियर हुआ, तो कोई भी ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी मटेरियल आता है तो उसका जो होता है वेट 3 गुना बढ़ जाता है। अगर हमारा मटेरियल 5 गुना 5 टन का है तो नीचे आते आते 15 टन का हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कोई भी 15 टन से ऊपर से कोई भी चीज़ आएगा, किसी के ऊपर गिरेगा, तो क्या बचने का चांसेस है, आस्क योरसेल्फ, चांसेस है, नेवर, चांस ही नहीं है। दैट्स वाई एरिया शुड बी बैरिकेटेड, एंड अगर आपके पास मेन पावर है तो यू कैन स्टे अ पर्सन, यू कैन मोबिलाइज अ पर्सन बोथ साइड दैट ही कैन स्टॉप एनी एंट्रेंस पर्सन, ताकि वो कोई भी अंदर उसके अंदर जाने वाले इंसान को, व्यक्ति को, वर्कर को रोक सकता है कि यहाँ पे जो हमारा लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है आप इस तरफ से मत जाओ। दिस इज वाई एरिया शुड बी बैरिकेटेड। नेक्स्ट हमारा होता है रिगर्स, जो काम करते हैं। रिगर्स शुड बी ट्रेंड एंड स्किल्ड, उन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि आप इस काम को कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, सेफली कैसे करना है, ताकि किसी को भी एक इंजुरी ना हो। ठीक है, तो रिगर को ट्रेनिंग देना चाहिए और जो रिगर्स वो ट्रेंड होने चाहिए। टैग लाइन्स क्या होता है, जो भी हमारा इक्विपमेंट लिफ्टिंग होता है उस इक्विपमेंट के बोथ साइड हम लोग रोप यूज करते हैं, एंड द रोप इज कॉल्ड टैग लाइन्स, उस रोप को ही हम लोग टैग लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर से हमारा नेक्स्ट क्या है, रिवर्स हर्न। रिवर्स हर्न क्या है कि अगर कोई भी क्रेन पीछे की तरफ रिवर्स हो रही है तो उसका हर्न बजना चाहिए, ताकि उसके पीछे आदमी कोई काम कर रहा है, कोई आदमी सोया है, कोई बैठा है, ठीक है, ताकि अदर्स पर्सन को क्या चले, मालूम चल जाए कि हाँ यहाँ पे कोई पीछे से कोई मशीन आ रहा है, कोई क्रेन, कोई गाड़ी आ रहा है। तो नॉट ओनली इन क्रेन बट ऑल द व्हीकल्स, जितने भी प्लांट में व्हीकल्स हैं सबका रिवर्स ऑन होना ही चाहिए। सेकंड हमारा होता है लास्ट SMI, सेफ मूविंग इंडिकेटर। जब आप क्रेन से कोई भी सामान को, मटेरियल्स को यूज करते हो तो उसमें एक सेफ मूविंग इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो बजना चाहिए और उसमें बत्ती भी जलना चाहिए। तो गाइस दीज आर सम पॉइंट्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रेन्स का कुछ पार्ट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इजीली देख सकते हो इसमें कि जो बाहर निकला हुआ है दिस इज कॉल्ड आउटरिगर, और ये आउटरिगर पूरा बाहर निकलना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके जो नीचे लगा हुआ है आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं स्लीपर।
वो इसलिए लगाया जाता है, जैसे आप इसका फोल्डिंग में देखे होंगे कि सोल प्लेट बेस प्लेट होता है, क्यों होता है, ताकि वो सरफेस लेवल के अंदर ना जा सके। इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग स्लीपर यूज करते हैं ताकि कोई भी ये जो हमारा आउटरिगर है अंदर तो धंसे नहीं और क्रेन जो पलटी हो मारने का चांसेस है वो कम हो। अब आते हैं इसके हुक पे, आप देख सकते हो ये इसका हुक है, ये हुक पे भी लिखा रहता है SWL कि इसका SWL कितना है। ये जो सीलिंग दिखाई दे रहा है इसको सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये वायर सीलिंग है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि कहीं से कटा पिटा नहीं है या फिर ये डैमेज है या फिर कहीं से मुड़ा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो बूम है, ये बूम पूरा निकलता है, ये बूम जितना निकलेगा हमारा मेटेरियल कैपेसिटी उतना कम होगा, ठीक है। जितना कम निकलेगा उतना मेटेरियल अधिक लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस आर सम पॉइंट विच आई जस्ट टोल्ड यू एंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा और फ्रूटफुल हुआ होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और मैंने इसका ऑलरेडी प्रैक्टिकल वीडियो बना करके ऑन द स्पॉट साइट पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाओ देखो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।